हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो व्लॉग आपके संग शेयर कर रही हूँ, बट ये जो व्लॉग मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ इसमें काफ़ी सारी जो क्लिप्स हैं वो पुरानी हैं। आफ्टर डिलीवरी जब से मैं घर आई हूँ तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेके रखती रह रही थी, बट मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं एक वीडियो एडिट करूँ या वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा था कि ये सारी क्लिप्स बाद में मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, और काफ़ी सारे इसमें क्लिप्स हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये वीडियो क्लिप है जब मेरी डिलीवरी हुई थी 28 दिसंबर को। तो जब मैं अपने वार्ड पे शिफ्ट हो गई थी तो जो इवनिंग टाइम है उस टाइम मैंने ये क्लिप लिया था। तो ये मेरी बेबी तब सिर्फ उसी दिन पैदा हुई थी और उसी दिन का ये वीडियो है। सो देखिए, काफ़ी छोटी सी लग रही है। एंड देन ये घर आने के बाद का क्लिप है। तो इसमें बेबी की मसाज हो रही है और तब काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो कोयले जला के इसकी मसाज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी गरम गरम इससे बेबी को लगेगा और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है। एंड उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई थी 28 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास आ गई थी हेल्प के लिए। और उसके बाद का ये क्लिप है और ये बेबी को चुप करा रही है। एंड ये हमारा टी टाइम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर है नीचे नहीं एंड व्हाट्स योर नेम? गो बैक टू योर ड्रेस। सिंग अ सॉन्ग फॉर योर बेबी सिस्टर। और ये क्लिप है नामकरण के 2 दिन पहले की, क्योंकि नामकरण के 2 दिन पहले मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई थी और यहाँ पर ये बेबी से खेल रहे हैं और बेबी की पिक्स क्लिक कर रहे हैं। जो हर ट्रिप में जाती है। ये डाउट है, इसी क्या बनी है? कहाँ है? घर में? बाहर है? तू है कहाँ? इधर तो समझ भी नहीं आता, तो होती कहाँ है? सो यहाँ पर हम बेबी के फुटप्रिंट्स ले रहे हैं। वैसे मैंने सोचा ये था कि जब बेबी फर्स्ट टाइम घर पे एंट्री करेगी तो तब हम ये कर लेंगे, बट तब पॉसिबल नहीं हो पाया तो बाद में हमने ये कर लिया। तो एक प्लेन कपड़े में हमने बेबी के फुटप्रिंट्स ले लिए हैं और अभी मैंने रख दिया है। बाद में मैं इसे फ्रेम करा के मंदिर में कहीं रख लूँगी, क्योंकि बेबी लड़कियाँ वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती हैं। एंड ये है क्लिप नामकरण की। तो ये है नानी की तरफ से चांदी के जो ज्वेलरी बच्चे के लिए आती है। और सिंपल ही घर में हमने नामकरण किया था, कोविड का भी थोड़ा रिस्क था और न्यूबॉर्न बेबी की वैसे ही इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और ऑलरेडी मुझे भी वैक्सीन नहीं लगी है। सो यहाँ पर रैंडम फ़ोटो क्लिक किया है हमने नामकरण की सारे लोगों की। एंड इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि नामकरण सिंपल ही होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स उसमें शामिल हो जाएं, पंडित जी की जो पूजा है वो हो जाए, नामकरण की विधि हो जाए, क्योंकि नामकरण में जो माँ होती है उसकी हालत इतनी सही नहीं होती है कि वो नामकरण की पार्टी इंजॉय कर पाए और इसके साथ ही जो मेहमान हैं उन्हें अटेंड कर पाए। तो एंड इसके बाद अब ये जो क्लिप है यहाँ, ये हमारा सोफ़ा कम बेड है, इसको हमने अब सोफ़ा से बेड बना लिया है क्योंकि मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं। और जब नामकरण के दिन मम्मी नहीं आई थी उस दिन, क्योंकि फैमिली में कुछ ट्रेजिडी हो गई थी, तो इस कारण मम्मी एक हफ़्ते बाद आई। और मौसम बहुत ख़राब है बाहर का, क्योंकि जब से बेबी पैदा हुई उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद से इतना ठंडा हुआ इस बार, पता नहीं कितने सालों बाद इतनी ठंड पड़ी है। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं खाना, और जब से मम्मी आई तो मुझे बहुत आराम मिला है। मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खिलाई हैं और सारा मम्मी ने, मतलब सारा काम मम्मी कर रही थी तो मुझे काफ़ी आराम मिला और काफ़ी अच्छा अच्छा खाना मम्मी ने मुझे खिलाया। बट मम्मी की ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती है क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग है, तो सिर्फ 10 दिन के लिए मम्मी आई थी, बट फिर भी मुझे काफ़ी आराम मिला। एंड यहाँ पर हमारी बेबी, तो बेबी यहाँ पर रोना स्टार्ट कर ली है। तो यहाँ पर हम आज बना रहे हैं चिली पनीर,
एंड इसके साथ ही हस्बैंड का हो रहा है, इवनिंग पे उनका ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो जाता है काम करना। एंड उसके साथ ही मम्मी, अभी मेरी मासी भी हमारे आसपास रहती हैं, उनके घर गई हैं, और सिस्टर यहाँ पर ऑनलाइन वो क्लासेस लेती हैं तो क्लास ले रही है। सो ये फ़ोटो है जब बेबी ने 1 मंथ कंप्लीट कर लिया था तो मैंने क्लिक की थी, और मम्मी ने भी बेबी के संग फ़ोटो क्लिक की थी क्योंकि नामकरण में मम्मी थी नहीं। और इसके साथ ही जब ये लोग जाने वाले थे उससे पहले मम्मी से मैंने बोला था पकौड़े बनाने के लिए, तो मम्मी यहाँ पर बना रही हैं पकौड़े, और मम्मी काफ़ी अच्छे पकौड़े बनाती हैं। तो इसके साथ ही ये है मेरी छोटी सिस्टर जो 1 महीना ऑलमोस्ट मेरे साथ रही। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं चाय और पकौड़ा इन्जॉय। सो गाइज वीडियो को एंड करती हूँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक।